दोस्तों आप सभी ने अवतार मूवी को देखा ही है। अवतार मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। अवतार मूवी काल्पनिक विज्ञान पर आधारित है। इस मूवी के लेखक और निर्देशक जेम्स कैमरून द्वारा यह मूवी बनाया गया था। अवतार मूवी में जेम्स कैमरून द्वारा बनाया गया मूवी कमाल का विजुअल इफेक्ट देखने को मिला था। अवतार मूवी में 75% CGI और VFX का यूज किया गया था। यह मूवी अब तक का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है। इस मूवी को आज भी पसंद किया जाता है। और हम बात करें अवतार 2 द वे ऑफ वाटर, मूवी को आने में 15 वर्ष का समय लगा है। जेम्स कैमरून जानते थे मूवी की जान VFX और CGI है। जिस तरह अवतार मूवी 2009 में रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, उससे कहीं जाए अवतार 2 बॉक्स ऑफिस का सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी, क्योंकि यह मूवी में 90% तक CGI और VFX का यूज़ है। बात करते हैं अवतार फर्स्ट मूवी के बारे में कुछ स्टोरी। दोस्तों हेड अवतार फर्स्ट मूवी में कुछ ह्यूमंस अदर प्लेनेट पेंडोरा पर जाते हैं और अपने फायदा के लिए उस प्लेनेट पर अन्य सिविलाइजेशन को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन अवतार मूवी के मेन कैरेक्टर हीरो है जैक, अपने लोगों के विरुद्ध जाकर उन सभी को बचाया और उस सिविलाइजेशन का लीडर बन गया। ऐसा कहा जाता है कि यह मूवी एक हाइब्रिड मूवी है। वही मूवी मेकर जेम्स कैमरून 3D मूवी के खुद ही बहुत बड़े फैन हैं और यही सब अपनी मूवी में अप्लाई करते रहते हैं। जितनी भी मूवी उनकी आती है सभी में यही सब अप्लाई करते रहते हैं और बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं अवतार 2। अवतार 2 मूवी का ट्रेलर देखकर पता चल जाता है कि CGI की कितना एडवांस लेवल का यूज किया गया है। सभी ट्रेलर में दिखाया गया है कि फ्लावर, जंगल, पेड़ सभी 95% CGI ही है। अवतार 2 को बनाने में 13 साल का समय लग गया है। इन 13 सालों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है कि करेक्टर को रियलिस्टिक बनाने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अवतार 2 मूवी में जितना भी कुछ दिखाया जा रहा है एकदम सब रियलिस्टिक होगा, एकदम लाइटनिंग इफेक्ट के साथ। अवतार फर्स्ट में ऑडियंस को इम्प्रेस किया गया था एकदम 3D विजुअल इफेक्ट के साथ, उस तरह अवतार 2 में भी उससे हाई लेवल का ग्राफिक यूज करके, CGI का यूज करके अपने छोटी से छोटी सीन को हाई ग्राफिक से बनाया गया ताकि कोई भी करेक्टर को एकदम करीब से देखा जाए तो एकदम रियल ही नज़र आए। तो यही ऑडियंस चाहती है, उसी की फैन हो जाती है। अवतार फर्स्ट से आप कंपेयर करेंगे तो बहुत से अंतर दिखाई देंगे। अवतार फर्स्ट का सभी ह्यूमंस जो पेंडोरा ग्रह के ह्यूमंस की आँखें, अवतार सेकेंड की ह्यूमंस की आँखें एकदम उससे भी कहीं ज़्यादा रियलिस्टिक, अमेजिंग, गजब का। इतना ज़्यादा हाई लेवल का ग्राफिक यूज किया गया है कि ऐसा लगेगा आपको देखने में कि जेम्स कैमरून खुद पेंडोरा प्लेनेट पर जाकर ये शूटिंग किया है। और किसी मूवी को 3D विजुअल इफेक्ट को दिखाने के लिए CGI और VFX के साथ साथ मेन करेक्टर का भी उसमें एक्टिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आज की टेक्नोलॉजी में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित किया है जिसमें से मोशन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह सब पॉसिबल हो पाता है और करेक्टर को सीन्स के हिसाब से एक्ट करना होता है।